सरकारी और प्राइवेट बसों में लिखा होता है यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, सामान गायब होने पर चालक परिचालक जिम्मेदार नहीं होंगे। दोस्तों, इसी प्रकार अब मैं उन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जिनके डेट आ गए हैं, उन छात्रों से कहना चाहूँगा, उन छात्राओं से कहना चाहूँगा कि आप अपने बहुमूल्य जीवन की सुरक्षा स्वयं करें, सरकार इसके लिए उत्तरदायी और जिम्मेदार नहीं होगी। आत्मनिर्भर बनने का मंत्र पहले ही प्रधानमंत्री जी ने दे दिया है। कल के दिन बीएड की परीक्षा संपन्न हुई, 4 लाख के लगभग बच्चों ने प्रतिभाग किया और 73 जनपदों में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। ऐसे ऐसे स्थानों पर थे जहां हॉट स्पॉट घोषित किया गया था, जहां बहुलता में संक्रमित लोग थे, लेकिन उसके बाद भी 1083 परीक्षा केंद्र बना करके परीक्षाएं संपन्न करा दी गई। जो कोरोना के नियम, प्रचलित नियम हैं जो बनाए गए हैं, जो संहिता, वह तार तार होते हुए दिख रही थी। 8 बजे परीक्षा केंद्र पर पहुंचना था, बच्चे पहुंच गए, वहाँ न कोई बैठने का साधन है, न खड़े होने का साधन है, कहीं न पानी की व्यवस्था है, और इतना देर पहले पहुंच गए, गेट तो बंद रहेगा, उसके पहले लोग गुत्थम गुत्था होकर के, क्योंकि कोई जगह नहीं थी, जैसे सड़क पर ही अगर गेट है तो खड़े कहाँ होंगे, उनके वाहन भी हैं। अगर कोई महिला परीक्षा देने गई है तो जाहिर सी बात है, अगर दोपहिया से गई होगी तो उसके घर का कोई सदस्य ले गया होगा, अथवा अगर चारपहिया से गए होंगे तो एक चालक होगा, एक परिवार का सदस्य होगा और एक वह महिला होगी। अगर पुरुष सदस्य होगा, कोई लड़का होगा, तो अपने चला गया होगा, चाहे परिवार का भी कोई लेकर के जाता है। यद्यपि ऑटो और बसें चलाई गई, लेकिन किस तरह से नियमों का उल्लंघन हुआ, किस तरह से बच्चे संक्रमित हुए होंगे, कहने की जरूरत नहीं है। रोडवेज की बसों में कहीं कोई उस तरह का नहीं होता है, बस एक बार थर्मल स्क्रीनिंग कर लिया, कहीं कोई सैनिटाइज नहीं किया जाता है और खड़े होकर के भी लोग यात्रा कर रहे हैं, जबकि यह नियमों की सरासर अनदेखी और अवहेलना है। ऑटो में बैठते वक्त आप जैसे मैं चेयर पर बैठा हूँ तो कितना देर तक ऐसे रहूँगा, इधर तो पीठ वाला हिस्सा जो है वो तो जाएगा ही सीट के पीछे वाले भाग पर, इधर अगर रखने के लिए हाथ रखने के लिए है, चाहे इधर लगा है डंडा, तो उस पर भी हम राट पर हाथ रखेंगे ही, कितना भी बचाएंगे। अब मान लीजिए हाथ नहीं रख रहे हैं तो यह भी डर बना हुआ है कि इस कपड़े से स्पर्श होगा तो भी कोरोना वायरस हमारे साथ जाएगा, पता नहीं कौन बैठा होगा यहाँ बगल में, जो बैठा हुआ है पता नहीं वह कौन है, चालक जो चला रहा है वह पता नहीं संक्रमित है कि नहीं है, उसने मास्क ठीक से लगाया है कि नहीं लगाया है। अब मास्क में भी क्या करते हैं लोग, मास्क है तो मास्क में मुंह में लगा लिया, इसको सांस लेने के लिए नाक पर नहीं लगाया है, तो ऐसे में तमाम संक्रमण के जद से गुजरते हुए बच्चे डर के माहौल में परीक्षा केंद्र पहुंचे, और परीक्षा केंद्रों पर कहीं कोई जो बच्चे देख रहे हैं, मेरा कोई प्रतिक्रियावाद नहीं है, कहीं भी न समुचित पानी की व्यवस्था, न समुचित उनके मौलिक सुविधाओं की व्यवस्था, और वहाँ ऐसे ही लाइन में लगा करके थर्मल स्क्रीन की गई, जांच की गई और जांच के बाद उन्हें प्रवेश दिया गया। 9 बजे से परीक्षा थी 12 बजे तक, फिर उसके बाद 2 से 5 बजे तक ये परीक्षाएँ थी, देर शाम तक रात तक, अब है क्या। परीक्षा केंद्र जो पहले थे कमोबेश वही परीक्षा केंद्र अब भी रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो कि परीक्षा केंद्रों पर जाने के लिए कहीं 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, जो मुझे बच्चों ने बताया कि इतनी दूरी पर परीक्षा केंद्र रहे हैं, इसलिए तमाम बच्चों ने डर के मारे और साधना भाव के कारण परीक्षाएँ छोड़ दिया। अब आपको बताते हैं दोस्तों, कई जगह कलेक्ट्रेट बंद है, जैसे हमारे गाजीपुर में भी तमाम कर्मचारी महीनों पहले संक्रमित हुए, हमारे जनपद के पुलिस कप्तान स्वयं संक्रमित हैं, अभी वाराणसी के कचहरी में देखा गया है, यहाँ भी कचहरी सील कर दी गई। उच्च न्यायालय का समाचार देखेंगे, उच्च न्यायालय ने कई दिनों तक, पहले भी उच्च न्यायालय बंद था, अब भी इधर कई दिनों तक सुनवाई बंद कर दी गई है इलाहाबाद और लखनऊ खंडपीठ में। तो और जहां देश का गृह मंत्री संक्रमित हो रहा है, यहां का प्रदेश का कानून मंत्री संक्रमित हुआ है, एक मिनिस्टर की मौत हो गई संक्रमण के कारण, महिला मिनिस्टर की मौत हो गई, तमाम विधायक हमारे यहाँ, गाजीपुर की एक मैडम है विधायक, वह संक्रमित हैं। तो इस तरह से संक्रमण काल है, बच्चों की जान क्यों, इनके जान की परवाह नहीं कर रहे हैं, करना चाहिए,
ठीक है थोड़ा और इंतजार कर लेते, जहां पीट पीट करके लोगों को बाहर निकलने से मना कर दिया गया। जब निकलते थे दवा के लिए तो मुर्गा बनाया जाता था, उन्हें पीटा जाता था, कान पकड़ के उठाया बैठाया जाता था, जब केसेज बहुत कम थे, नाम मात्र के केसेज थे। लोग जो समर्थक थे सत्ता के, वह कहते थे वाह यह है योगी जी की पुलिस, यह है योगी जी की पुलिस। और जब योगी जी की पुलिस पीटती है और जब इनके पर आती है तब कह रहे हैं कि साहब ये तो बड़ा अन्याय हो रहा है। जैसे गाजीपुर में ही देख लिया जाए, गाजीपुर में जो पंडित जी लोग मिलिट्री वाले और उनके परिवार के लोग जब पीटे गए तो कहा कि यह तो पुलिस बड़ा अन्याय कर रही है। भैया मन किसने बनाया, आप तो खुश हो रहे थे वाह निकलिए बाहर, अब कोई सब्जी के लिए निकल रहा है, कोई दूध के लिए निकल रहा है, कोई शमशान घाट जा रहा है, कोई और किसी महत्वपूर्ण काम के लिए जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी मुर्गा बना, बड़ा मजा आ रहा था, वाह मुर्गा, किसने अधिकार दिया मुर्गा बनाने का, किसने अधिकार दिया कान पकड़ के उठवाने बैठवाने का। कल भी चालान कटी, अब चालान का दिया गया है कि आपको इतना काटना है, जो मोटी मोटी बात दबी जुबान से नाम न लेकर के कि इसका कहीं उल्लेख न हो ऐसे बताया गया। अब एक दरोगा जी ने पकड़ लिया, हमारे कुछ मित्रों को पकड़ लिया, कहा साहब ये चालान कटेगी, उन्होंने कहा नियम क्यों चालान कटेगी, क्या उल्लंघन आपने किया है, तो कुछ बताया जो पर्याप्त आधार नहीं था। अंत में हथियार डाल दिया दरोगा जी ने, कहा भैया चंदा दे दीजिए। चंदा किस बात का, भैया कहिए मत चलिए 500 रुपये का कटवा लीजिए, मैं जानता हूँ सब ठीक है लेकिन हमको देना है इतना। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब दरोगा जब इस तरह से दरोगा जी कह रहे हैं तो भैया चलिए 500 का ही सवाल है, तो काट करके दे दिया। और उसमें था कि राष्ट्रीय महामारी अधिनियम 1897 के विहित प्रावधानों का उल्लंघन किया है, ऐसा कुछ करते हुए लॉकडाउन का उल्लंघन किया, इसलिए 500 रुपये की रसीद कट रही है। उन लोगों ने कहा आप इसको रख लीजिए, चलिए मत रसीद दीजिए, क्या नहीं हमको हिसाब तो देना ही पड़ेगा। तो यह है स्थिति भैया। कल भी कई मामले आए, अभी एक फोन आया था हमारे पास कि हमारे पास हेलमेट था, इंश्योरेंस था गाड़ी का, नंबर हमने मानक के अनुसार लगवाया था, मास्क भी लगाया था, डिग्गी में हमारे सैनिटाइजर भी था, उसके बाद भी हमारी चालान काट दी गई। हमने पूछा क्यों, कहा चुपचाप पहले फोटो खिंचवाओ। तो फोटो खिंचवा के जैसे ही साहब हम घर आए 1000 रुपये की चालान हमारे घर पहुंच गई। तो इस तरह से शासन से भी ठीक है, रिक्तता है, पैसे का अभाव है, आप सारी दुकानें बंद करवा रहे हैं, दारू की दुकान तो खुली है, दारू बिकवाओ गाय बचाओ, दारू बिकवाओ। और अभी एक ट्रामा सेंटर में एक सज्जन भर्ती हैं वाराणसी के ट्रामा सेंटर में, दारू पी करके आया तो पत्नी ने गेट बंद कर दिया, गेट खोला तो उसने कहा फिर जाऊँगा बाहर, तो फिर गेट बंद कर दिया। और वह कूद करके किराए के कोई पाठक जी महाराज थे, तो पाठक जी ने अच्छा पाठ किया छत पर से कूद करके और बताया कि हम कितने बहादुर हैं, ट्रामा सेंटर में इलाज हो रहा है, सामने घाट का लोग बताते हैं। तो जिस दारू ने आत्मा का सत्यानाश किया उस दारू पर लगातार दुकानें खोल करके गांव-गांव में दुकान खोलेंगे, यही है धर्म, उसका यह धर्म नहीं कहता है गांव-गांव में। अब आप कहोगे कि भैया मत पीजिए क्योंकि मद्य निषेध अधिकारी वही आबकारी अधिकारी वही मद्य निषेध अधिकारी भी है, दो काम करता है, कहेगा कि अधिक से अधिक दारू बेचो, मुझे रेवेन्यू चाहिए, राजस्व बढ़ना चाहिए हर हालत में। और वही मद्य निषेध अधिकारी के रूप में है, वह कहेगा दारू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे कैंसर जैसी भयानक बीमारियाँ होती हैं, लीवर संक्रमित हो जाता है और व्यक्ति का की डायबिटीज बढ़ जाएगी, नहीं पीना चाहिए, परिवार का सत्यानाश होता है, इंसान शैतान हो जाता है। तो उस दारू की दुकानें अब गांव-गांव में खुल रही हैं, भैया अपनी जान अपने बचाइए, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि आत्मनिर्भर बनिए, तो आत्मनिर्भर का बन। एक बार दारू की दुकान पर मुझे बुलाया गया, कई बार ऐसे किया हूँ, लोगों ने बताया कि साहब हम लोग ताला बंद करवाए हैं, लड़ रहे हैं तो अपराध दर्ज हो गया, आप ताला कैसे बंद करवाएंगे, क्योंकि दारू की दुकान से तो रेवेन्यू आएगा, इन्हें राजस्व की आय होगी, राजस्व इकट्ठा होगा और जिसकी ज़रूरत है। तो हम भी गए, हमने कहा भाई देखो दुकान बंद कराने की बात तो मैं नहीं करता, दुकान आप बंद करवा भी नहीं सकते। कहा सर तब क्या होगा, हमने कहा कि तुम लोगों के घर गाय भैंस है कि नहीं,
कहा है सर, हमने कहा बकरी होगी, कहाँ बकरी है, तो क्यों नहीं दूध पीना शुरू कर रहे हो, दूध पियो, मट्ठा पियो, दही खाओ, मट्ठे में जीरा डालो, काला नमक डालो और मारो दो गिलास, मज़ा आ जाएगा गर्मी के दिन में। तो बात कुछ लोगों की समझ में आई तो नारा लगवाया, दारू नहीं पिएंगे दूध, और तय किया है भारत का यूथ, ऐसे कुछ नारा लगवाया गया था, आ जाता है दारू नहीं पिएंगे दूध। तो वहाँ गिलासें आई और उस गिलास में दो गिलास हम भी मारे, मज़ा आया। तो मेरा 10 किलोमीटर का जाना आना उतर गया, दो गिलास दूध लिए हैं, मम्मी का हल्दी डाल के ले आओ, हल्दी डाल के लोग ले आए, दो गिलास दूध लिया गया। यद्यपि कितना असर हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन एक जो फंडामेंटल ड्यूटी है, जो नागरिक कर्तव्य है, उसको तो किया गया। अब चलिए, वीडियो लंबा हो रहा है, हम आपसे बताते चलते हैं कि यह जिम्मेदार नहीं होंगे। जब चमकी बुखार होगा और गोरखपुर में बच्चे मरेंगे तो इनका मिनिस्टर बेहयाई, बेशर्मी और इस तरह के नीचता की पराकाष्ठा का प्रस्तुतिकरण करते हुए कहेगा कि इस सीजन में तो बच्चे मरते ही हैं। भैया अपनी जान अपने बचाइए, सरकार जिम्मेदार नहीं होगी। अब उन बच्चों से यह कहना चाहूँगा, परीक्षाएं तो होंगी, अब और जो अभी खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा होनी है, 4-5 लाख बच्चे उसमें भी हैं, 4 लाख से अधिक हैं, उन बच्चों की भी परीक्षा होगी 16 अगस्त को, हमारे बच्चों की भी परीक्षा है उसमें, तो सेंटर उसके भी 100-150-200 किलोमीटर, जो सेंटर पहले थे मार्च महीने में, जब 22 मार्च को संभवतः परीक्षा होनी थी, जब कोरोना का संक्रमण इस तरह का नहीं था, तो हुजूर ने परीक्षा डाल दिया था। और अब जब कोरोना का संक्रमण इस कदर बढ़ा है कि 50,000 मृतकों की संख्या होने वाली है और लगातार लोग संक्रमित हो रहे हैं, ऐसे में हुजूर परीक्षा करवाएंगे, क्योंकि हुजूर किसी की बात नहीं मानते, हुजूर राजा है ना, राजा, और राजा किसकी बात मानेगा, और राजा के मंत्री सही सलाह देंगे नहीं। कहा गया है कि अगर उनके सचिव चाटुकार हो जाएंगे, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले ही भयास, सचिव जैसे मुख्यमंत्री जी के, प्रधानमंत्री जी के और इन लोगों के सचिव होंगे, तो सचिव वैद्य सचिव अगर झूठ बोलेगा, ठाकुर सुहाती करेगा, कहेगा कि हम यही कहेंगे तो ठीक है, हमारी नौकरी बची रहेगी, हुजूर यही सुनना चाहते हैं, वाह साहब आप जैसा कोई हुआ नहीं, आपने जो कर दिया साहब, यह शुरू में किसी मुख्यमंत्री ने किया था, वो अभी आप जैसा नहीं था, तो साहब सुनेंगे हुजूर। तो सचिव वैद्य, सचिव ने यदि अपने धर्म का पालन नहीं किया, पालन इसलिए नहीं करा किया कि उसे नौकरी बचाना है, पालन इसलिए नहीं किया कि उसको मलाई काटना है, पालन इसलिए नहीं किया कि हुजूर नाराज ना हो जाए, तो सचिव वैद्य ने यदि बता दिया कि साहब कुछ है नहीं इस तरह की बीमारी, ठीक है आप एकदम चंगा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मरीज का नाश होगा। सचिव वैद्य गुरु ने यदि बता दिया, जैसे द्रोणाचार्य जैसे लोगों ने, मैं नाम लेकर के किसी का नहीं कहूँगा, एकलव्य का अंगूठा कटवाएगा और किसी को लाभ पहुँचाने के लिए ऐसा करेगा और ठाकुर सुहाती करेगा, मुंह पर आपके अच्छा अच्छा कहेगा, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले हैं भय आस, प्रिय बोलेंगे, जिसका मैंने उल्लेख किया, भय और आस, आस माने मिलेगा हमको, ओम नमः शिवाय, प्रिय बोले ही भय आस, डर के मारे कि साहब हमको निकाल देगा, कहेगा अयोग्य है, निकालो बाहर, कर दो, काम नहीं कर रहा है, जैसे तमाम लोगों को निकाला गया प्रदेश में, भले ही वो लोग कोर्ट में जाकर के और फिर आ गए हों, लेकिन यह नौकरी करने लायक नहीं है, यह लापरवाह है, यह बीमार है, इसको निकालो कान पकड़ी बाहर। तो प्रिय बोले ही भय आस, राज धर्म तन तीन कहे हो ही बेगही नाश, राज का नाश होगा यदि सचिव झूठ बोलेगा, धर्म का नाश होगा यदि गुरु झूठ बोलेगा, धर्म और डॉक्टर झूठ बोलेगा तो मरीज का नाश होगा, ऐसे तो हो ही बेगही नाश,
मैं और कुछ कह नहीं रहा हूँ, भैया तैयार हो जाइए और अपनी सुरक्षा आपने करिए, एक दिन पहले जाइए, होटल भी संक्रमित हैं, रहेंगे कहाँ, इतनी दूर का है, पैसे नहीं है, परेशानी है, धंधा रोजगार बंद हो गया है, बच्चे तो बच्चे होते हैं भैया, एक कलम उनके पास, एक कलम भी खरीदना होगा तो उन्हें काफ़ी सोचना होगा कि हम 10 रुपये कहाँ से ले आएंगे। तो आज के दिन इतना ही, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से आज अपने फंडामेंटल ड्यूटी का पालन कर रहा हूँ और तमाम परीक्षार्थियों को, कुछ ने कहा कि सर हम परीक्षा नहीं देंगे, हमने कहा यह गंदा काम मत करना, परीक्षा क्यों नहीं दोगे, परीक्षा फिर तुम्हारे जीवन में आएगा क्या, यह नकारात्मक सोच है, परीक्षा देना ही चाहिए, परीक्षा कोई ऐसा ना हो जो परीक्षा ना दे, सभी दें परीक्षा। और अगर कोई परेशानी होगी भैया, अगर किसी के सामने आर्थिक संकट होगा तो अभी बताएंगे, 2-4-5 की जिम्मेदारी ली जा सकती है, उनके धन और मोटरसाइकिल का यह इंतजाम किया जा सकता है। विनम्रता के साथ नमस्कार स्वीकार करिए, धन्यवाद।